जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं उपसर्ग और प्रत्यय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। ये जो प्रश्न हैं वो मॉक टेस्ट पर आधारित होंगे। हम प्रश्न आपसे पूछेंगे, आपको उत्तर बताना होगा। आपको दिए जाएंगे चार विकल्प और चार विकल्प में से एक का चयन आप करेंगे। यहाँ दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण ये टेस्ट सीरीज चल रही है। इससे पहले हमने संधि पढ़ी, समास पढ़ा और वर्णमाला से संबंधित प्रश्न पढ़े और ये निरंतर टेस्ट सीरीज बिल्कुल चल रही है। तो इससे आप जुड़े इस टेस्ट सीरीज से और सभी वीडियो आप देखें और अपना आकलन करें कि कितना आपसे बनता है, कितने गहरे पानी में आप हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। हमारा जो सबसे पहला प्रश्न है, उपसर्ग का प्रयोग होता है, आपको बताना है कहाँ होता है उपसर्ग का प्रयोग। तो आपने कमेंट में लिख लिया होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा शब्द के प्रारंभ में। उपसर्ग का प्रयोग होता है शब्द के प्रारंभ में, विकल्प नंबर एक सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं, जल्दी से बताएं। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों विकल्प नंबर चार, प्रत्यय। शब्द के अंत में जो जुड़ता है उसे प्रत्यय कहा जाता है। अगला जो प्रश्न है, निर्वाह में उपसर्ग है, आपको बताना निर्वाह में कौन सा उपसर्ग है। चार विकल्प मौजूद हैं, इसका सही उत्तर होगा विकल्प नंबर तीन, निर। निर्वाह में उपसर्ग होगा निर। अगला प्रश्न है, व्यवस्था से पूर्व कौन सा उपसर्ग लगाएं कि उसका अर्थ विपरीत हो जाए। तो जल्दी से बता दें आप, उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर दो, अव्यवस्था, मतलब आ हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है दोस्तों, इनमें से कौन सा शब्द समूहवाचक प्रत्यय नहीं है। समूहवाचक प्रत्यय आप समझते होंगे, समूहवाचक प्रत्यय नहीं है बताना है। इसका सही उत्तर होगा प्रेस, ये समूहवाचक प्रत्यय नहीं है। गण, लोग और वर्ग ये समूहवाचक प्रत्यय हैं, विकल्प नंबर एक सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रत्युत्पन्नति शब्द में कौन सा उपसर्ग है, जल्दी से बताएं। तो चार विकल्प में से एक का चयन कर लिया होगा, इसका सही उत्तर होगा विकल्प नंबर एक, प्रति। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है प्रख्यात, प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो जल्दी से कमेंट में लिखें, उत्तर हो जाएगा इसका विकल्प नंबर एक, पिर। प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग है पिर। अगला प्रश्न है, अनुवाद में प्रयुक्त उपसर्ग है, जल्दी से आपको कमेंट में लिखना है। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों विकल्प नंबर एक, अनु। अनुवाद में अनु जो है उपसर्ग है। अगला प्रश्न है, बेइंसाफी में प्रयुक्त तो उपसर्ग कौन सा है, आपको बताना है। इसका सही उत्तर होगा विकल्प नंबर दो, बे। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, आपको बताना है किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। तो इसका सही जो उत्तर होगा वो कमेंट में आपको लिखना है, उत्तर हो जाएगा समेत। जो विकल्प नंबर एक है इसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, आपको पता है, आपने कमेंट में भी लिखा है। लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा है, जल्दी से बताएं कमेंट में। चार विकल्प में से सही जो इसका उत्तर होगा वो होगा विकल्प नंबर एक, अक। लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा है, अक। अगला क्वेश्चन है, अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए आप किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। तो जल्दी से आपको पता होगा, सरल है, उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर चार, आ। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो जल्दी से कमेंट में आपको लिखना है किस शब्द में प्रयोग हुआ है, किस में नहीं हुआ है। तो जल्दी से लिखें किस में हुआ है पूछा गया यहाँ पर। तो उत्तर हो जाएगा इसका विकल्प नंबर चार, जादूगर। अगला प्रश्न है, मानवीय में उपसर्ग है, तो जल्दी से आपको कमेंट में लिखना है कौन सा उपसर्ग है। उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर एक, आ, आ उपसर्ग। इसमें कुछ तो दोस्तों, इसका जो प्रश्न पूछा गया है वो अमानवीय है ना, मानवीय उसमें लिख गया था अमानवीय, अमानवीय में उपसर्ग बताना था, तो आ उपसर्ग है ना, विकल्प नंबर इसका क्या है, आ सही है। अगला प्रश्न है, पिर उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, पिर से नहीं है बताना है। चार विकल्प हैं, उत्तर हो जाएगा इसका प्रतिशोध, क्या हो जाएगा, प्रतिशोध, ये पिर उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है। अगला जो हमारा प्रश्न है, भुक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है, जल्दी से बताएं। उत्तर हो जाएगा अक्कड़, विकल्प नंबर एक इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मनौती शब्द में कौन सा प्रत्यय है,
जल्दी से कमेंट में लिखें औति, विकल्प नंबर दो इसका सही हो जाएगा, मनौति में औति प्रत्यय है। अगला जो हमारा प्रश्न है, निम्न में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है, उपसर्ग रहित शब्द बताना है, चार विकल्प मौजूद हैं, जल्दी से कमेंट में लिखें। उत्तर हो जाएगा इसका विकल्प नंबर चार, कुलीन, कुलीन उपसर्ग रहित शब्द है। अगला प्रश्न है किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है, जल्दी से लिखें आवा प्रत्यय नहीं है, तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प नंबर तीन, लावा। कई बार पूछा गया ये क्वेश्चन, तो लावा में आवा प्रत्यय नहीं है। अगला क्वेश्चन है पुरोहित शब्द में उपसर्ग है, कौन सा उपसर्ग है, जल्दी से कमेंट में लिखें, तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प नंबर दो, पुरह, पुरोहित शब्द में पुरह उपसर्ग होता है। अगला प्रश्न है विज्ञान शब्द में उपसर्ग है, तो कौन सा उपसर्ग है विज्ञान शब्द में, आपको बताना है। उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर एक, वी, वी उपसर्ग है ना विज्ञान शब्द में। अगला प्रश्न है घटना शब्द में कौन सा उपसर्ग लगाने से उसका जो है अर्थ व्यापक घटना हो जाता है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, दुर, दुर उपसर्ग लगा दो अगर तो इसका क्या हो जाएगा, दुर्घटना, मतलब इसका जो अर्थ है वो व्यापक हो जाएगा, ठीक है, तो विकल्प नंबर दो इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है चिरायु शब्द में उपसर्ग, आपको बताना है चिरायु शब्द में उपसर्ग कौन सा है, तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प नंबर दो, चिर, कौन सा उपसर्ग है, चिर उपसर्ग है, चिरायु में चिर उपसर्ग। अगला प्रश्न है संस्कार में कौन सा उपसर्ग है, आपको बताना है संस्कार में, आपने पढ़ा होगा, उत्तर इसका सही हो जाएगा विकल्प नंबर एक, सम, संस्कार में जो उपसर्ग है दोस्तों वो है सम, है ना। अगला क्वेश्चन है नाश में कौन सा उपसर्ग लगाने से उसका अर्थ कभी खत्म ना होने वाला हो जाता है, तो कौन सा उपसर्ग लगाएं कि उसका जो अर्थ होता है वो कभी खत्म ना होने वाला हो, तो इसका सही उत्तर होगा क्या हो जाएगा विकल्प नंबर दो, अभी, नाश में अविनाश कर दो तो वो कभी ना खत्म होने वाला इसका अर्थ हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कौन सा तत्सम उपसर्ग है, अब आपको तत्सम उपसर्ग बताना है, तत्सम मतलब संस्कृत, संस्कृत का उपसर्ग कौन सा है, जल्दी से बताएं, इसका उत्तर हो जाएगा दुर, है ना, आपने संस्कृत के उपसर्ग पढ़े होंगे, दुर ये तत्सम उपसर्ग कहलाएगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है आपलक में कौन सा उपसर्ग है, जल्दी से बताएं, चार विकल्प हैं, उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर दो, आ। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा संस्कृत का उपसर्ग है, जल्दी से बताएं, आपको संस्कृत, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी सारे के सारे उपसर्ग याद होंगे, उत्तर हो जाएगा इसका वी, जो है वो संस्कृत का उपसर्ग है, विकल्प नंबर चार इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा हिंदी का उपसर्ग है, आपको बताना हिंदी का उपसर्ग कौन सा है, तो जल्दी से लिखें, इसका उत्तर होगा दोस्तों विन, जो है वो हिंदी का उपसर्ग है, विकल्प नंबर जो एक है वो इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा संस्कृत का उपसर्ग है, नहीं है, संस्कृत का उपसर्ग नहीं है, तो जल्दी से बताएं कौन सा नहीं है, उत्तर होगा इसका कम, विकल्प नंबर तीन, ये जो कम है ये संस्कृत का उपसर्ग नहीं है, आपने याद होंगे आपको संस्कृत के उपसर्ग। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा अंग्रेजी का उपसर्ग नहीं है, अब अंग्रेजी का यहाँ पर पूछ लिया गया है तो कौन सा नहीं है, जल्दी से लिखें, उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर तीन, सर, सर ये अंग्रेजी का नहीं है, ये उर्दू का है, ठीक है। तो अगला हमारा प्रश्न है संस्कृत के कितने उपसर्ग हैं, जल्दी से लिखें, तो उत्तर हो जाएगा वाइस, विकल्प नंबर एक इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है हिंदी में कृत प्रत्यय की संख्या कितनी है, आपने प्रत्यय पढ़े होंगे कितनी है, तो 28 है, कृत प्रत्यय की संख्या 28 है, ठीक है, विकल्प नंबर एक इसका सही होगा। अगला प्रश्न है प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, तो कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, दो प्रकार के, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय, ठीक है ना, और एक और होता है स्त्री प्रत्यय, वो अलग होता है लेकिन दो प्रकार से माने जाते हैं प्रत्यय, तद्धित और कृत प्रत्यय। अगला प्रश्न है वे शब्दांश जो केवल क्रिया मूल धातु के अंत में जुड़ते हैं कहलाते हैं, क्रिया के जो है मूल धातु के अंत में जुड़ते हैं क्या कहलाते हैं, उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर एक, कृत प्रत्यय कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, कृत प्रत्यय। अगला क्वेश्चन है जनरल उपसर्ग है, जनरल जो है वो काय का उपसर्ग है, आपको बताना है किस भाषा का है, अंग्रेजी का है, हिंदी का है, संस्कृत का, तो जल्दी से बताएं, उत्तर हो जाएगा अंग्रेजी का, आपको अंग्रेजी की भी उपसर्ग याद करना है। अगला प्रश्न है अभी उपसर्ग का अर्थ है,
जल्दी से बताएं अभी का अर्थ क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प नंबर ए, सामने। अभी उपसर्ग का अर्थ होता है सामने। अगला प्रश्न है अल उपसर्ग का अर्थ है। अल का आपको बताना है अल का अर्थ क्या है। तो इसका उत्तर सही होगा क्या, अल का निश्चित, विकल्प नंबर एक इसका सही हो जाएगा। अब दोस्तों आपको अर्थ भी याद करना है, अभी तक आपने उपसर्ग याद किए थे, अब उसके अर्थ भी याद करना है। अल उपसर्ग का अर्थ आपको बताना है तो निश्चित हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सा उर्दू का उपसर्ग है, कौन सा है उर्दू का उपसर्ग। अपने उर्दू के सारे उपसर्ग याद कर लिए होंगे। उत्तर हो जाएगा ला। ला जो है वो उर्दू का उपसर्ग माना जाता है। हिंदी के उपसर्ग, संस्कृत के उपसर्ग, अंग्रेजी के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग, इस सारे के सारे उपसर्ग आपको याद करना है, इनके अर्थ भी याद करना है, तब आपके एक दो नंबर यहाँ से कंप्लीट हो जाते हैं। कौन सा उर्दू का उपसर्ग है तो ला, विकल्प नंबर एक सही होगा। किस उपसर्ग का पीछे होता है, किस उपसर्ग का अर्थ पीछे होता है, तो जल्दी से बताएं इसका सही जो उत्तर होगा दोस्तों वो क्या होगा। इसका सही उत्तर होगा विकल्प नंबर एक, अनु। अनु जो उपसर्ग है इसका अर्थ होता है क्या, पीछे। आपको पता होगा अनु उपसर्ग का अर्थ पीछे हो जाएगा और यहाँ पर हमारे पूरे के पूरा जो टेस्ट है वो खत्म होता है, क्योंकि हमने उपसर्ग के इतने सारे क्वेश्चन पढ़ लिए। आपने पूरा वीडियो जरूर देखा होगा, आपको अच्छा लगा होगा, और आपको जहां भी ऐसा लगता है कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट में लिखें, और आने वाले जितने भी वीडियो हैं टेस्ट सीरीज पर आधारित वो जरूर देखें। और पीछे वाले अभी तक तीन वीडियो टेस्ट सीरीज पर आधारित उपलब्ध हो चुके हैं, समास का, संधि का, वर्णमाला का और उपसर्ग का हो गया। इनको आप जरूर देखें दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। उपसर्ग आपने एक बार टेस्ट पढ़ लिया तो आपको प्रेरित करेगा कि आपको क्या पढ़ना है, क्या सीखना है, क्या पेपर में आता है, ठीक है। संधि एक बार पढ़ ली तो आपको पता चलेगा कि आपको क्या पढ़ना है, संधि में कैसे पढ़ना है, ठीक है, विच्छेद कैसे करना है, वो चीज आपको पता चलेगी, और पेपर में किस प्रकार से पूछे, सारे के सारे ये चीज आपको एक बार में क्लियर हो जाएगी। इसी प्रकार से आप जुड़े रहें, MPSI की तैयारी आप कर रहे हैं या जो भी एग्जाम की तैयारी, RPSC है ना, SPTET, अन्य एग्जाम की जिनमें हिंदी पूछी जाती है, हिंदी व्याकरण पूछी जाती है, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज निरंतर मैं अपलोड कर रहा हूँ, जरूर देखें दोस्तों। और इसी तरह से चैनल पर बने रहें, आपको कमेंट में जरूर बताना है कि वीडियो कैसा लगा है, और जो है लाइक करना है वीडियो को, शेयर करना है अपने मित्रों तक व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप से। और एक और बहुत बड़ी बात है कि आपको किसी भी प्रकार की PDF, किसी भी सब्जेक्ट की PDF के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना होगा। आपको टेलीग्राम ग्रुप में सर्च करना होगा IAS स्टडी ट्रिक, वहां पर आप ज्वाइन हो जाएंगे ग्रुप में और सारी की सारी जो PDF है वहां पर आपको मिल जाएंगी। तो दोस्तों आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, और नेक्स्ट आने वाले जो वीडियो है उनकी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचेगी। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।